सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी से जुड़ी हुई ये खबर है। चौथ माता मंदिर का रास्ता रोकने पर परिवाद दर्ज कराया गया है। अधिवक्ता नेत्र बिंदु सिंह यादव ने ये परिवाद पेश किया। जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया परिवाद, और परिवाद में चौथ माता मंदिर के मुख्य रास्ते में होटल स्थित है। जिला कलेक्टर की देखरेख में रास्ता बंद किया गया। मंदिर तक जाने का रास्ता 12 दिसंबर तक बंद किया गया है। रास्ता बंद होने से मंदिर दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, और क्योंकि विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी है, इसको लेकर सिक्योरिटी पूरी तरह से तैनात है, पुख्ता है। और वो रास्ता जहां पर ये सिक्योरिटी है, उस रास्ते को बंद किया गया है। जिला कलेक्टर की तरफ से ये 12 दिसंबर तक के लिए बंद किया गया है। ऐसे में जो भी श्रद्धालु चौथ का बड़वाड़ा मंदिर पहुंच रहे हैं, उस चौथ का बड़वाड़ा मंदिर में पहुंचने में श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। रास्ता बंद है तो जाने भी नहीं दिया जा रहा होगा, और इसी कारण ये परिवाद जो है वो पेश किया गया है। जिला विधिक प्राधिकरण अध्यक्ष के समक्ष इस परिवाद को पेश किया गया है। परिवाद में चौथ माता मंदिर के मुख्य रास्ते में होटल है स्थित, और इस कारण इसे बंद करने के कारण इसे परिवाद पेश किया गया है। और क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारी जो सहयोगी थी वो भी ये तस्वीरें दिखा रही थी कि जो मेन रास्ता है वहाँ बंद होने से जो आसपास के लोग हैं या जो लोग मंदिर जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब इसके लिए परिवाद भी पेश कर दिया गया है। अधिवक्ता नेत्र बिंदु सिंह यादव ने ये परिवाद पेश किया है, और कारण ये कि जो चौथ माता का मंदिर है उसको रोकने को लेकर ये परिवाद दर्ज किया गया है। चौथ माता का मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, और राजस्थान से अलग अलग जिलों से अलग अलग जगहों से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि विक्की कौशल और कटरीना कैफ भी ये मंदिर जाएंगे शादी के बाद। हो सकता है कि वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन क्योंकि अभी सिक्योरिटी पूरी तरह से पुख्ता है वहाँ पर, उस मेन रास्ते पर उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहीं पर रिसॉर्ट है, तो पूरी तरह से सिक्योरिटी के तहत कलेक्टर ने इसको बंद करवाया है 12 दिसंबर तक के लिए। इसको लेकर अब परिवाद दर्ज किया गया है, पेश किया गया है कि इस रास्ते को जो ये क्योंकि मेन रास्ता है और सभी के लिए है, इसलिए इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए, ये परिवाद पेश किया गया है। और स्थानीय संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, परिवाद पेश किया गया है क्योंकि वो मुख्य रास्ता बताया जा रहा है चौथ माता मंदिर का? जी बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, अधिवक्ता नेत्र सिंह जाधव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो होटल ट्रेन स्पॉट है जिसमें कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हो रही है, ये चौथ माता का मुख्य मार्ग है। ये मुख्य मार्ग होने से यहाँ पे श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ रहती है। इसको इन्होंने जिला कलेक्टर के आदेश पर 12 दिसंबर तक के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी मैम। जी अभिनव, अब आगे क्या कुछ रहेगा, क्योंकि अब परिवाद तो पेश कर दिया गया है, क्या इस पे आगे सुनवाई होनी है, क्या कुछ होगा? मैम जी, इसकी सुनवाई जहाँ तक संभव हो आज हो सकती है, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा। वैसे अंदेशा यह जताया जा रहा है कि ये मार्ग 12 तारीख तक पूर्णतः बंद रहेगा, क्योंकि इस होटल की सुरक्षा के लिए करीब होटल ने 100 मानसर तैनात कर दिए गए हैं, तो वो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहते जिससे इस शादी में व्यवधान पड़े। जी मैम। जी अभिनव, क्योंकि जो मुख्य रास्ते पर है उसको बंद किया गया है, कितनी सिक्योरिटी वहाँ पर है? जो मेन मार्ग है, जो मुख्य रास्ता है, वहाँ पर क्या सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है? जी मैम बिल्कुल, कल मैं बताना चाहूंगा, कल मैं वहाँ पर गया था, कल तक तो वहाँ पे ये रास्ता चालू था, परंतु कल रात जैसे ही ये फिल्म अभिनेता अभिनेत्री पहुंचे कैटरीना कैफ और विक्की कौशल, तो उनको लेकर सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है, और उनको वो रास्ता बिल्कुल करीब 25-30 आदमी सिक्योरिटी के उन्होंने लगाए हुए हैं, जो बिल्कुल किसी को भी उस रास्ते से आने जाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि मीडिया तक के को भी पाबंदी कर दी गई है। जी अभिनव, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए कि जो सिक्योरिटी है वो भी वहां पर तैनात रहे, लेकिन आम लोगों के लिए भी ये रास्ता खुल जाए, क्योंकि अभी परिवाद पेश किया गया है, अगर सुनवाई होती है ऐसा कुछ हो सकता है? जी मैम, ये मुख्य मार्ग होने से इसमें दिक्कत तो जरूर आएगी, परंतु इसका एक औपचारिक मार्ग इधर से मुख्य बाजार जो चौथ का बरवाड़ा कस्बा है उधर होके गुजरता है, तो इसको रूट को डाइवर्ट करके उधर होके माता जी के लिए रूट को डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन अब क्या होगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जानकारी के लिए।